मोस्ट अवेटेड वीडियो इज फाइनली हियर। और आज भाई साहब हम एकदम मजेदार चीज करने वाले हैं ना, मजेदार चीज ये क्या ही बताऊं, मतलब एकदम ही स्वाद चीजें होने वाली आज। क्योंकि जैसे कि तुम्हें पता ही होगा भाई साहब, बिग बॉस के अंदर जाने के बाद तो पुनीत सुपरस्टार एकदम यहाँ पे पहुंच चुका है बंदों के दिलों में एकदम। क्योंकि अपना पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस में जाने के बाद तो भाई साहब एकदम लेजेंड बन चुका है, एकदम लेजेंड। मतलब उसके भाई साहब आसपास तो कोई है ही नहीं एकदम। उसने सलमान खान को रोस्ट कर दिया, पूरे बिग बॉस को भाई साहब तबाह कर दिया, ट्विटर पे इवन ट्रेंडिंग कर रहा था पूरे एशिया के अंदर। और ये कोई छोटी चीज नहीं है। तो आज हम भी भाई साहब कुछ व्यूज बटोर लेते हैं पुनीत भैया के नाम पे। मैंने शायद राज खोल दिया पहले ही। तो जल्दी से अपने तकिए चद्दर लेके आराम से तसल्ली से बैठ दो, क्योंकि वीडियो में फुल स्वाद आने वाला है। और जैसे कि तुम देख सकते हो, बिग बॉस के बाद तो लक्ष्य चौधरी लो, थगेश लो, भाई साहब इतने तगड़े तगड़े बंदे, धीरू मोहनचिक ने तक अपने चैनल पे इस बंदे को उठा रखा। और एक मिनट, हल्क बनने की कोशिश हो रही है क्या? ये चीज सबसे पहले मेरे को देखनी है। ना 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 ना, भाई साहब पपलू हो गया अपना। तो एक मेरे को वीडियो मजेदार सी लग रही है, तो एक बार देखते क्या होता है। ओके, भाई साहब इतनी तगड़ी ऑडियंस भाई की, हाँ कौन देखेगा। एक एक कोने तक भाई साहब पहुंचा हुआ, पूरी फौज एकदम फैली हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इतिहास के पन्ने तक में फैला हुआ है बंदा। ले रेडी वाला ठेली, अब भाई गिर जाएगा, रुक जा तो 2 मिनट। ये देखो भाई साहब, एक तो ये कौन से तरीके होते हैं, मतलब डांस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा। भाई का स्टाइल एकदम अलग है। ये पुनीत 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 भाई तो आग लगा दे बिग बॉस में, तोड़ दे सारी चीजें। सॉरी। और ये क्या, मौत का खेल पुनीत इन बिग बॉस, ये चीज तो कुछ देखने वाली लग रही है। तो हमें भी देखना है भाई साहब मौत का खेल पुनीत किस तरीके से कर रहा है। और ये डिटर्जेंट है क्या ये? ओहो, पी मत लियो, खाली पीली मर जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मत करो पुनीत, सब इसको मना कर रहे हैं। और ये कुछ तो खतरनाक करने वाला है बिग बॉस के अंदर। भाई इसको अभी भी सफाई की पड़ रही है, ये नहीं पता लेजेंड यहाँ पे आ चुका है, अब कुछ नहीं बचने वाला, अब कुछ तगड़ा होने वाला है। क्योंकि लेजेंड जब आ चुका है तो उसके बाद तो तुम गेस कर ही सकते हो कि क्या होने वाला है। ठीक है, सारे बंदे मना करने में लगे पड़े कुछ ना करे। और ये देखो, ओ भाई साहब एक मिनट, तुमने पीछे उस लड़की के रिएक्शन देखेगा किस तरीके के थे। और ये शक्ल देखो, और पुनीत भाई अपना फुल मौज में एकदम एंजॉय करते हुए। ये शैम्पू था पता नहीं इसका डिटर्जेंट था, लेकिन जो भी था बंदा पूरा का पूरा बिक चुका और फुल एंजॉयमेंट चल रहा है। देखो सुनने में आई थी कि पुनीत और साथ में एमसी स्टैन, हाँ मैं इसी छपरी की बात कर रहा हूँ, मंगोलपुरी के आसपास रहता है। ठीक है, तो चलो उसको भी एक बार चेक कर लेते कि हुआ क्या था। मेरे को पूरी स्टोरी तो नहीं पता, लेकिन कुछ तो मजेदार था माल मसाला। एंड एमसी स्टैन, ओ भाई साहब सबसे ऊपर ही टॉप पे रैंक कर रहा है, बहुत बढ़िया। और मेरे को हैवी डायलॉग सुनने का मन कर रहा है इस टाइम। तो ये मैंने सबसे पहली वीडियो पे क्लिक कर दिया, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? ओके, हाँ यही वो मोमेंट है। ओके, ये देखो भाई साहब, ओह भाई साहब एकदम ही तगड़ा रिप्लाई, मतलब इससे खतरनाक हो नहीं सकता। कोई दिक्कत नहीं भाई, भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे। ठीक है, अच्छा भाई, ये भाई साहब सिग्मा एकदम ही लेजेंड। मैं रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो, टीआरपी तुम लोगों को मिल गया, मुझे नहीं। भाई साहब तबाह, यही वो मोमेंट था जिसमें बिग बॉस एकदम तबाह हो चुका, कुछ नहीं बचा बिग बॉस के अंदर देखने लायक। अच्छा ऐसा भी है क्या कुछ? वैसे कितना खतरनाक था। और बंदे की आंखों से लेजर किसने निकाली है? जिस भी बंदे ने एडिट करी है भाई, सच्ची में वे कॉम्प्लीमेंट है भाई तेरे लिए, मस्त लग रही है मेरे को एकदम। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता, अभी थोड़ी से डायलॉग ही हुआ है, अभी तो बहुत सारी चीजें बची है। 2 मिनट रखो तुम इसमें भाई, तो तगड़ा माल मसाला एकदम। ओहो, फुल जलवा दिखाया जा रहा है अपने पुनीत लॉर्ड का, ये होती है जिंदगी फुल बढ़िया वाली। हाँ हाँ, ऐसा भी होता है। अच्छा तो बाइक से भाई साहब सूरत चला गया, ये बड़ा सही है यार, मोटर व्लॉगिंग और कर लेता मजा आ जाता। आप ऐसी बात करते हो? हाँ जी सर, मैं हाँ, स्टाइल है भाई का, क्या दिक्कत है? आपकी गर्लफ्रेंड कोई है? नहीं सर, गर्लफ्रेंड ऐसी बात कर रही है तो कभी नहीं बनी। आए ये होता है डायलॉग एकदम हैवी वाला, मतलब जरूरत ही नहीं है। ओ भाई का एपिक एकदम लेजेंड वाला, ऐसी लेजेंड नहीं कहते अपने भाई को, एकदम फुल टोर है भाई की पूरी। मतलब सलमान खान को इतना एपिक जवाब दिया ना पुनीत ने अपने, मतलब शब्द नहीं था उसके आगे उसके बाद। अब बिग बॉस पूरा खत्म हो चुका है, मेरे को लगता है कि अब ये चल भी पाएगा आगे इन फ्यूचर में कभी। और इस सदी की जो सबसे प्यारी क्लिप थी, जो सबसे बेस्ट एकदम क्लिप रही है पुनीत की, वो तुम्हें अब दिखाता हूँ। एकदम ही रिवेंज जो कहते हैं इसे एमसी स्टैन से, वो वाला सीन। तो दिल थाम के बैठ जाओ भाई, एक बार ये देखो तुम। ठीक है भाई, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ ठीक है,
बस सही बात है, और क्या क्या दिक्कत है। एक मिनट भाई, हेयर स्टाइल देख ले इसका, क्रिंज कह रहा है, और मैगी जैसे खुद के बाल नहीं हो रहे, ऐसा लग रहा है मरे हुए सांप इसके टांट पे चिपके पड़े टेढ़े मेढ़े। सॉरी भाई थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन था फनी, ये तुम भी मानते हो है ना। एक बार तुम ये देखो, ये है कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स, भाई साहब 55,000 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट बैड नॉट बैड। और 106 एलविश भाई, ठीक है भाई पूरी रिस्पेक्ट के साथ, 106 एमसी स्टैंड, 509 कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी लेजेंड का वेट कर लो थोड़ा। और ये कितने 730 के, मतलब कोई बंदा आसपास भी नहीं भटक सकता इसके, मतलब तुम समझ लो पुनीत सुपरस्टार, यानी कि लॉर्ड उसे ऐसे ही नहीं कहा जाता, कुछ तो वजह है, और यही वो वजह है, मतलब 700+ के, मजाक नहीं है यार। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ा वाला सिनेरियो है। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो को एक काम करते हैं, इतना ही रखते हैं, मेरे को तो बहुत ज़्यादा मजा, आई होप तुमने भी इंजॉय करा होगा भाई की तगड़ी तगड़ी फनी फनी हरकतें। और बिग बॉस रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। तो ठीक है भाई, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, आई होप, दो बार की बोल देता हूँ मैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अब बाय।